व्यूअर्स, आज हम तो रही घी की अतोरी पकाने जा रहे हैं। ये देखेंगे हमारे पास तकरीबन आधा किलो के लगभग घी अतोरी कटी हुई है। ये प्याज और लहसुन के जवे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अदरक है, ये पिसी हुई, ठीक है। सबसे पहले हम पतीली के अंदर जो है वो ऑयल डालेंगे, ठीक है, फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज डाल के इसको फ्राई शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्याज फ्राई होगी तो फिर मैं आपको इसका फर्दर। व्यूअर्स, ये हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये हमने इसके अंदर हरी मिर्ची काट के रखी है और साथ में अदरक का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। हम इसके फ्राई करेंगे। ये हमारे पास जो है वो टोमेटोज, वन टोमेटो कटा हुआ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसाला अच्छी तरह जब तक टमाटर मैश होंगे। इसके साथ ही हम अपनी स्पाइस के उसके इसके अंदर तमाम मसाला जात डाल देंगे। क्वार्टर, ये आधा किलो है ना, तो क्वार्टर चम्मच नमक, क्वार्टर चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फोर एंड हाफ चम्मच जो है वो टर्मेरिक पाउडर, और ये कलवंजी है, ठीक है। बस दैट्स इट, अब हम इसको वाइंड अप कर देंगे। देखिए अब हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, लहसुन अदरक टमाटर, ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत कलर की ग्रेवी जो है ना वो बन रही है, ठीक है ना। जैसे ये भुनेंगे फिर हम इसके अंदर तुरई डाल देंगे। ये हमारा मसाला जो है ना वो पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए अब जान हो चुका है। टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, नमक मिर्ची हम इसके अंदर डाल चुके हैं। अब हम इसके अंदर तुराई डाल देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, तकरीबन एक चम्मच के, एक से दो से तीन चम्मच, ठीक है ना, ताकि ये नीचे ना लगे। और इसको दम वाली आग के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट में ये हमने दम वाली आग की हुई, 15 से 20 मिनट में हमारी तुराई जो है वो पक रही है। देखिए ये तकरीबन गल चुकी है ना, बस इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। ये हमारी घी तोरी जो है ना, तो देखिए इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब बस अब ये घी छोड़ देगी, हम इसको ऐसे चलो भून लेंगे 10 मिनट तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी घी तोरी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखें, ठीक है ना।